नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है इज ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी पाँच सौ बारह मेक्स फोर बीट्स पर सेकेंड विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ पियानो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू टू बीट्स पर सेकेंड वेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज सवाल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन विल भी ऑप्शन है पाँच सौ दस पाँच सौ चौदह पाँच सौ सोलह है पाँच सौ आठ हर्ट्स बहुत सिंपल सवाल है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है सो so, स्नैरियो ये है कि ये है आपकी एक ट्यूनिंग फॉक दिस इज अ ट्यूनिंग फॉक और ये आपकी सोनोमीटर या फिर गिटार की वायर है इसको वायर को हमने ऐसे आ, मान लेते हैं ऐसे कनेक्ट किया हुआ right? so, है सो ये आपकी टेबल है टेबल पे आपने ऐसे वायर कनेक्ट की हुई है ये जो अपनी ट्यूनिंग फॉक है ये अपने को दे रखा है 512 सौ की तो ये जो ट्यूनिंग फॉक है दिस इज़ फाइव हंड्रेड और आपकी जो सोनोमीटर वायर के साथ या गिटार वायर के साथ जब ये वाइब्रेट कर रही है उस केस में हमें सुनाई देती है टू बीट्स नहीं उस केस में हमें सुनाई देती है फोर बीट्स पर सेकेंड इसका मतलब ये है कि सोनोमीटर की वायर जो है आ, ये या तो 516 की है प्लस फोर करके या फिर 508 जीरो की फ्रीक्वेंसी है तो इन दोनों में से कोई एक है ये बात हमें पता करनी है आले? नेक्स्ट uh, सिनेरियो क्या है हमने यहाँ पे इस टेंशन uh, की वैल्यू है जो मास है आपका uh, उसकी वजह से जो टेंशन आ रही है इसमें टेंशन थी उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी अब उसके बाद हमने नोटिस किया टू बीट्स uh, यहाँ पे आपको सुनाई दे रही है उसके बाद नाउ ये बात अपने को पता है फ्रीक्वेंसी इस केस में हम लिखते हैं वन बाय टूएल अंडर उमय यू तो जैसे आपने टेंशन की वैल्यू बढ़ाई है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी का मतलब क्या है इन दोनों में से आपकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी सो लेट्स से इसको दोनों को इंक्रीज करके देख लेते हैं ये वाला इंक्रीज़ होएगा तो ये हो गया मान लो 517, 518, 519 पाँच इस तरह की वैल्यू कुछ यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई तो अगर 512 इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बढ़ रहा है हमें डिफरेंस करके कम करके दो लेके आना है तो विच मीन्स पाँच इसका आंसर नहीं हो सकता ना अगर इसकी वैल्यू पाँच होएगी तो इसको इंक्रीज़ करने के बाद आपकी वैल्यू पाँच 510, 511 इस रेंज में पहुंचेगी। ना अगर नोटिस करें तो इस रेंज में आके 510 और ये है तो आपका टू की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी विच मीन्स 508 सौ हर्ड्स इज़ द राइट आंसर और बीट्स के सवाल बस इतने ही आसान होते हैं। ठंड रख के आपको आराम से ठंडे दिमाग से सिर्फ ये सिनेरियो देखना होता है ना कोई इंटीग्रेशन ना कोई डिफ्रेंसीशन ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है सिंपल सा बस ये एनालिसिस करना होता है ऑलराइट सो बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्कशन वी कैन से 508 ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर